वाजिब उल एहतराम बरादरान इस्लाम सन 2021 ईस्वी के माह दिसंबर की 31 तारीख है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियान नाम से मौसूम है। हमारे आज के ज़माना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम से इसका ज़िक्र होता है और इस शब में इतने और ऐसे जराइम होते हैं, उतने और वैसे शायद साल भर नहीं होते। आज के बयान में इसी हवाला से चंद बातें आपकी तवज्जो की नज़र करूंगा। मेरे मुखातब कुफार नहीं हैं, अहले इस्लाम हैं। इसलिए कहना चाहूंगा, कुफार मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, अहले इस्लाम शरीयत की पाबंदी कबूल कर चुके हैं। इसलिए इनको नए ईस्वी साल के आगाज पर खुशी और मसर्रत के लिए खुद तकारीब का इनेकाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ईसाइयों और गैर मुस्लिमों की इन तकारीब में शिरकत से भी बचना चाहिए। नए अंग्रेजी साल के आगाज पर रात 12 बजे अखलाकी कदरें पामाल होंगी, शराफत को जिंदा दफन किया जाएगा, कुफार और अग्यार की जानिब से खराफात और जराए ऐसे जराए जिनका जराइम होना फ़कत शरीयत मुहम्मदी वाज़े नहीं करती, साबिका शराए भी उनके जराइम होने से इत्तेफाक करती हैं। इंसानी शराफत भी उन्हें जुर्म कहती है, उनकी भरमार होगी। मुसलमानों की शिरकत किसी भी तरह इन तकारीब में उनके लिए मुफीद और नफा बख्श नहीं है, बाइस नुकसान और खुसरान है। सवाल ये है, क्या नुकसानात हैं? तीन बड़े नुकसानात की निशानदेही करना चाहूँगा। पहला नुकसान तो ये है, न सिर्फ कुफार की मुशाबहत बल्कि उनकी तकलीद लाजिम आती है। नंबर दो, बहुत सारे गुनाह इकट्ठे हो जाते हैं। नंबर तीन, उम्र और वक्त जैसी नेमत खुदावंदी की नाकदरी और ज़िया होता है। ये तीन बड़े नुकसानात हैं, इसलिए मुसलमानों को इससे इज्तेनाब करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो है कुफार की मुशाबहत और तकलीद। मुसलमान
एक मजहब रखते हैं। वह मजहब तमाम मजाहिब का खातिम और नासिख है। मुसलमानों के मजहब मजहब इस्लाम के होते हुए जो मुकम्मल महफूज भी है, जामे भी है, कामिल भी है, अमली भी है। मजहब इस्लाम के होते हुए अहले इस्लाम को किसी की तकलीद जेब नहीं देती। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुशाबहत से भी मना फरमाया है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमी फहुआ मिनु, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। इल्मे कलाम के माहिरीन ने अहले इस्लाम को जन्नार बांधने से मना किया है, क्योंकि ये कुफार की मुशाबहत है। शरा अकायद में इसे अलामाते कुफर में शुमार किया गया। तो अहले इस्लाम किसी की मुशाबहत इख्तियार करें, इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। मन तशब्बह बिकौमिन फहुआ मिनहु, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। ये फैसला आज के मुसलमान ने करना है, वो मुसलमानों में उठना चाहता है या अपना हशर यहूद व नसारा में करवाना चाहता है। अल्लाह के नबी को कतान मुशाबहत पसंद नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए। वहां आपने देखा यहूद आशूरा का रोजा रखते थे, 10 मुहर्रम का। आपने पूछा ये कैसा दिन है जिसमें तुम रोजा रखते हो? उन्होंने कहा यह बड़ा दिन है, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आजाद हुए थे। फिरौन की गुलामी से हजरत मूसा कौम को लेकर निकले थे, फिरौन और उसके मानने वाले गर्क और तबाह हुए थे। इस नेमत के शुक्र के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा 10 मुहर्रम का। तो हम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, जो कि हमारा ताल्लुक हजरत मूसा के साथ है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा के हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं, हम उनके तुमसे ज्यादा करीब हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी 10 मुहर्रम को रोजा रखा और अहले इस्लाम को भी तरगीब दी। फकहा के नजदीक 10 मुहर्रम का रोजा रखना मुस्तहब है, लेकिन अल्लाह के नबी ने 10 मुहर्रम का रोजा रखने के साथ एक रोजा और शामिल करने का हुक्म दिया है, और उसकी गर्ज हदीस मुबारका में यहूद की मुखालफत है। फरमाया सूमु आशूरा खालिफु फीहिल यहूद, 10 मुहर्रम का रोजा रखो व खालिफु फीहिल यहूद, और इसमें यहूदियों की मुखालफत भी करो। सवाल पैदा होता है रोजा रखने में मुखालफत कैसे होगी? आपने फरमाया सोमो कबलहु यौमन वबादहु यौमन, एक रोजा उससे पहले दिन का रख लो या एक रोजा उसके बाद वाले दिन का रख लो। 10 के साथ 9 को शामिल कर लो या 11 को शामिल कर लो, तुम्हारे रोजे 2 हो जाएं। यहूदी 1 रखते थे, तुम 2 रखो ताकि यहूद के साथ मुशाबहत से बचा जा सके। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आने वाले साल तक बाकी रहा तो लअसूमन्नत्ता से मैं नवी मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में
12 रबीउल अव्वल को इंतकाल फरमा गए। फुकहा ने लिखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकत 10 मुहर्रम के रोजे को पसंद नहीं फरमाया, इसलिए कि इसमें यहूद की मुशाबहत लाजिम आती है, उसके साथ एक दिन पहले का या एक दिन बाद का रोजा रखना हमारे लिए जरूरी है ताकि यहूदियों की मुशाबहत से बचा जा सके। और आपने फरमाया मूछे कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ और यहूदियों की मुखालफत करो। पता चला यहूद का अमल इसके बरक्स है और हमारा आज का नौजवान वो दाढ़ी पे रोजाना उस्तरे फेरता है और मूछे इतनी बढ़ाता है उसके लबों की पट्टी भी नजर नहीं आती, वो गिलास पे रखता लब है और उसके मूछों के बाल पानी की तह तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। तो अमली तौर पर हम यहूदियत के नक्शे कदम पे चल रहे हैं इस मामला। तो हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, नए साल की खुशी की तकारीब में हमारी शिरकत, यह हमें कहां तक ले जाती है? कुफार और अग्यार की ना सिर्फ मुशाबहत बल्कि तकलीद तक ले जाती है। एक रिवायत और मेरे जहन में आ गई, मुस्तदर के हाकिम बुखारी शरीफ और दीगर किताबों में रिवायत आती है। मुस्तदर के हाकिम और बुखारी की रिवायत यह है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बालिश्त बा बालिश्त और कदम बा कदम पहले लोगों की पैरवी करोगे, उनके तरीकों पे चलोगे, यहां तक के अगर उनमें से कोई शख्स गो के बिल और सुराख में भी दाखिल होगा तो तुम इसमें भी उनकी तकलीद करो और गो के बिल में दाखिल होने की कोशिश करोगे, जरूर दाखिल होगे। साहिब फतहुल बारी, पहले लोगों से मुराद यहूद व नसारा को लिया है और गो के बिल की तख्सीस की वजह यह बताई है कि यह तंग होता है। अब इस तंग सुराख में दाखिल होने की कोशिश करना यह कुफार और अग्यार की तकलीद की गम्माजी करता है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अल्लाह के नबी ने जो पेशीन गोई फरमाई वो सच साबित हो रही है। आप कहेंगे कैसे? हमारी खुशी गैर मुसलिमों के तरीकों के मुताबिक, हमारी गमी गैर मुसलिमों के तरीकों के मुताबिक, हत्ता कि हमारी मुआशरत गैर मुसलिमों के तर्ज पर, हमारी मईशत में वही सूद जिसे अल्लाह के नबी हराम करार दे चुके और गैर मुस्लिम उसे थाम के बैठे हुए हैं, तो हमारा मुसलमान यहां भी उन्हीं के तरीके पर बेपर्दगी के मामला में। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें आज का मुसलमान उनकी पैरवी नहीं कर रहा? बल्कि यहां तक कहना चाहूंगा हमने अपने पैगंबर के कहने पर अपने टखने भी नंगे नहीं किए, अपने पैगंबर के कहने पर अपने टखने भी नंगे नहीं किए। कुफार और अग्यार की तकलीद में, मगरिब की तकलीद में हमने अपने घुटने भी नंगे कर। आज का नौजवान जो यहां तक कच्चा पहन के घूमता है, बेशर्मी की सारी हदें पार कर लेता है, मां बहन और बेटी के सामने घुटनों से भी ऊपर उसकी निसफ टांगे नजर आ रही होती हैं, उसकी राने दिख रही होती हैं और वो इसे जिद्दत समझता है, इसे रोशन ख्याली समझता है, अपने आप को ब्राइट माइंडेड ख्याल करता है। तो नबी के कहने पे टखने भी नंगे ना करे और कुफार की तकलीद में घुटने भी नंगे कर ले। और तकलीद किसे कहते हैं? यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बालिश्त बा बालिश्त कदम बा कदम पहले लोगों के तरीकों पर चलोगे, यहां तक के अगर उनमें से कोई सुराख के
गो के सुराख में और बिल में दाखिल होगा तो तुम उसमें भी जरूर दाखिल होगे। तो अल्लाह के नबी ने हमें मना फरमाया है हम मुशाबात से भी बचें और कुफार की तकलीद से भी बचें। और ये जो हमारा मुआमला आजकल कुफार की तकलीद वाला है इससे हम बचें। और इसका एक मौका, तकलीद कुफार का एक मौका ये हैप्पी न्यू ईयर है जो आज 12 बजे हशर होगा दुनिया भर में, इसमें हमारी शिरकत ये इस कबाहत तक हमें ले जाएगी। तो हमें चाहिए हम इस्लाम की तालीमात को फॉलो करें, हम इस्लामी जिंदगी जिए, इस्लामी मौत मरे, गैर मुस्लिमों से किसी तरह मुतासर ना हो, किसी तरह मुतासर ना हो। एक तो इसमें तकलीद कुफार है, हमारे फतावा की किताबों में लिखा है कि हमारे दीनी उमूर हमारी इबादात वो सन हिजरी से वाबस्ता है, उसके साथ जुड़ी हुई है। अंग्रेजी साल के इफ्तिताह के मौका पर, आगाज के मौका पर ये जो खुशी मनाई जाती है ये ईसाइयों की खुशी है, मुसलमानों का इसमें शरीक होना उनकी जहालत है। हमारे लिए अल्लाह के नबी ने जो इबादात मुकर्रर की है वो सन हिजरी के साथ वाबस्ता है। ईसाई 25 दिसंबर को ईद मनाते हैं, बस उनके नजदीक फिक्स तारीख है अंग्रेजी की 25 दिसंबर और हमारे नजदीक ये फिक्स नहीं है। हमारी ईद उल फितर यकम शव्वाल खा वो किसी महीने में आ जाए, किसी महीने की किसी भी तारीख में आ जाए, और ईद उल अजहा 10 जुलहज किसी तारीख में गुंजाइश ही नहीं। इसके अलावा अंग्रेजी की कोई तारीख आ जाए, अंग्रेजी का कोई महीना आ जाए, तो हमारे उमूर दीनिया ये सने हिजरी से वाबस्ता है। लेकिन इसके बावजूद जब सने हिजरी का आगाज होता है इस्लाम ने सने हिजरी के आगाज पर भी हमें जश्न मनाने की तरगीब नहीं दी। असलाफ उम्मत ने जश्न नहीं मनाया, कोशिश नहीं की। यहां से मालूम हुआ इस्लाम रसूम और रिवाज का कायल नहीं है, इस्लाम रसूम और रिवाज का कायल नहीं है। क्यों? इसलिए कि रस्म और रिवाज अगरचे नेक मकसद और सादे जज्बात से शुरू होती हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो जुज्वे दीन बन जाती हैं। दीन को मिलावट और आमेजश से बचाने के लिए जरूरी है कि इन रसूम और रिवाज से एतराज और इज्तेनाब किया जाए। तो गैर मुस्लिमों के इस जश्न में हमारी शिरकत न सिर्फ उनकी मुशाबहत तक पहुंचाती है बल्कि इससे भी बढ़ के उसकी तकलीद तक हमें ले जाती है, और ये मुस्लिम उम्मत के लिए किसी सूरत नफा बख्श नहीं है। तो इससे हमें इज्तेनाब करना चाहिए। एक बात यहां और अर्ज करता हूं, अगर कोई शख्स हैप्पी न्यू ईयर कहे, मुबारकबाद दे, तो उसको क्या जवाब देना चाहिए, देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहल तो मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पहल कर दे जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, मसला मालूम ना होने की वजह से कोई पहल कर दे, तो फिर जवाब में क्या कहा जाए? जवाब में कोई दुआया कलेमा कह दिया जाए, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस साल को अमन और आफियत के साथ गुजारे, अल्लाह करे ये साल मजलूमों के जुल्म से निजात पाने का साल हो, हक के गलबे का साल हो, यह खैर और बरकत का साल हो। दुआया कलेमा कह दिया जाए और इस मुबारकबादी के अमल में शरीक ना हुआ जाए। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान तो क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं दीन से दूरी की वजह से। जब अहले इल्म से, उलमा से, मदारिस और मसाजिद से दूरी इख्तियार करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा, अंजाम यही होगा।
तो एक नुकसान ये है, कुफार की मुशाबहत और तकलीद लाजिम आती है इस अंग्रेजी साल की इब्तिदा और आगाज के मौका पर खुशी की तकारीब का इनेकाद करने से या उनमें हमारी शिरकत करने से। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान यह है, बहुत सारे गुना जमा हो जाते हैं, बहुत सारे गुना जमा हो जाते हैं। मसलन एक गुना तो बेपर्दगी का है, बेपर्दगी का, और बेपर्दगी बेशर्मी ये हया की जिद है, हया इफ्फत और हिफाजत की जमानत है, पर्दा हिफाजत की जमानत है। बेपर्दगी ये बेशर्मी का दरवाजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का शोबा और जुज करार दिया है। मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल में इस हवाला से रिवायात मौजूद और महफूज है। बेहयाई होती है, फिर बेहयाई से ऊपर जाकर शराबखोरी जैसे जुर्म में लोग मुबतला होते हैं। आज रात 12 बजे दुनिया भर में जितनी शराब पी जाएगी एक शब, साल भर में उतनी शराब नहीं पी जाती। फिर यूरोप में जितने एक्सीडेंट होंगे अगले दिन या इस शब को, साल भर के एक्सीडेंट जो होते हैं उनकी मकदार एक तरफ और इस एक दिन के हादसात की मकदार एक तरफ, एक दिन के हादसात साल भर के हादसात से बढ़ जाते हैं। और शराबखोरी, शराब नोश हराम है और गुनाहों की जड़ है। जो शख्स शराब पी लेता है वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसकी अकल मगलूब हो जाती है। जब अकल मगलूब हो जाए फिर उसे किसी का कत्ल करने से भी कोई नहीं रोक सकता, फिर जिना करने से भी कोई नहीं रोक सकता, किसी की इस्मत दरी से भी कोई नहीं रोक सकता। शराबखोरी हराम है, इसका एक कतरा भी हराम है। सबसे ज्यादा शराबखोरी आज की शब होगी, दुनिया भर साल में उतनी शराब नहीं पी जाती जितनी इस एक शब में यूरोप में पी ली जाती है। और एक जुर्म फिर जिना का भी है। शरीयत कहती है या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़रबुज़्ज़िना, ए अहले ईमान जिना के करीब भी ना जाओ, जिना करना तो दूर करीब भी ना जाओ, यानी अपने आप को जिमा के दवाई से भी महफूज रखो, दवाई जिना से। क्यों? इन्नहु काना फाहिशतन, ये बेहयाई है, व मख्तन, और अल्लाह की नाराजगी का सबब है, वसा सबीला, और ये बुरा रास्ता है। इस शब ये जुर्म भी इस हद तक होता है कि उसे शुमार नहीं किया जा सकता। गो साल भर यूरोप में इस पे पाबंदी नहीं है, लेकिन इस शब को हद ही पार हो जाती है। और यही वजह है कि जिना से उनके नसब मशकूक हो चुके हैं, औलाद को बाप का नहीं पता, बाप को औलाद का नहीं पता कि किसकी औलाद कहां कहां बिखरी पड़ी है। और यह हमारे मुल्क के पाकिस्तान में खानदानी सिस्टम, खानदानी निजाम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। ये जो औरत मार्च हो रहे हैं और ये इस किस्म के जो एहतजाज एनजीओज करा रही हैं, इसका मकसद ही ये है कि हमारा खानदानी सिस्टम महफूज ना रह सके, फहाल ना रह सके, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। जरूरत इस अमर की है हम आवाम में शऊर पैदा करें, आगही पैदा करें, हया के जज्बात पैदा करें, बेहयाई के नुकसानात उनके सामने लेकर आए। तो एक बड़ा जुर्म जो साल की इब्तिदा की तकारीब में सरजद होगा वो ये है। और फिर फजूल खर्ची का तो कहिए ही कुछ ना, इस कदर फजूल खर्ची हमारे मुसलमान भी शरीक हो जाते हैं।
शरीयत मुताहरा ने एतेदाल के साथ खर्च करने का हुक्म दिया है और शरीयत ये कहती है मुसलमान न कमाने में आजाद है न कमाए हुए को लगाने में आजाद है। कमाने में भी उसूल और जवाबित का पाबंद है, चोरी करके ना कमाए, डाका डाल के ना कमाए, रिश्वत लेकर ना कमाए, नाप तोल में कमी करके ना कमाए, किसी का हक मार के ना कमाए, तिजारत करे, ज़रात करे, लेबर और मेहनत का सहारा ले, जायज तरीके से कमाए। तो कमाने में भी मुसलमान आजाद नहीं, कमाई को लगाने में भी आजाद नहीं। कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना, हत्ता के जहां लगाना है, किस एतेदाल के साथ लगाना है, शरीयत मुताहरा एक एक चीज की वजाहत करती है, किसी पहलू को तिशना नहीं छोड़ती। शरीयत बुखल की भी मजम्मत करती है, इसराफ और तबजीर की भी मजम्मत करती है, और इसके दरमियान जो रास्ता है वो एतेदाल के साथ खर्च करने का है, उसकी हमारी शरीयत तरजीब देती है। इस शब में इसराफ और तबजीर इस हद तक शायद साल भर में वो मिकदार इसकी ना हो जो इस शब में होती है। तो मुसलमान मेरे मुखातब हैं, उनको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं शरीयत इस बारे में क्या कहती है। हमारी शरीयत कहती है आतिजल कुर्बा हक्कहु वल मिस्की वबन सभी, आतिजल कुर्बा हक्कहु, कराबतदार को उसका हक दो, मिस्कीन को दो, मुसाफिर को दो, वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो। क्यों? इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वान शयाती, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, उसके तरीके पर हैं। वकान शैतान ले रब्बी ही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। तो उसके नक्शे कदम पर हमारा चलना, उसकी इत्तेबा करना, उसे खुश करना, यह हमारे लिए किसी हद तक नफा बख्श नहीं है, किसी भी तरह नफा बख्श नहीं है। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ पियो, खाने पीने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन वला तुसरिफू, जाया ना करो, इसराफ ना करो। एक जगह फरमाया इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, अल्लाह ताला फजूल खर्च और झूठ के आदि की रहनुमाई नहीं करता, हिदायत नहीं देता। और अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया ला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़ुद मलूमन महसूरा, ला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, अपने हाथ को अपनी गर्दन के साथ ना बांध लीजिए, यानी बुखल ना कीजिए, क्योंकि बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर, सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब। फरमाया ला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, अपने हाथ को अपनी गर्दन से ना बांध लीजिए, यानी बुखल ना कीजिए। बुखल की शरीयत में मजम्मत है। फिर फरमाया वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और अपने हाथ को बिल्कुल भी ना खोल दीजिए, यानी जरूरत से ज्यादा खर्च ना कीजिए। क्यों? आगे वजह बताई फतक़ुदा मलूमन महसूर, अला आप मलामत किए जाएंगे, आप फतक़ुदा मलूमन महसूर, हसरत से हाथ मलते हुए रह जाएंगे। तो इन आयात की रोशनी में खर्च करने वाले तीन किस्म के सामने आए, या खर्च के बारे में तीन किस्म के रवैये, तीन किस्म के तर्ज और मिजाज सामने आए। एक को बुखल कहते हैं, एक को इसराफ और तबजीर कहते हैं, एक को एतेदाल कहते हैं। बुखल क्या है? जहां जरूरत हो वहां भी खर्च ना करे, जमा कर करके गिन गिन के तह लगा के रखता रहे, और औलाद और बीवी बच्चों की जायज जरूरियात भी पूरी ना करे, तय लगा लगा के रखता रहे, ना जकात दे ना उशर दे।
तो जरूरत की जगह पे भी खर्च ना कर, हाथ रोक लेना ये बुखल है, और ऐशो इशरत में उड़ा देना, बेदरेग पैसा बहान। एक तो जरूरत की जगह से हटकर ऐशो इशरत में पैसा बहाना, नंबर दो जरूरत की जगह पर लगाना मगर जरूरत से बढ़कर लगाना, ये दूसरा है, इससे भी मना किया। इसके दरमियान एतेदाल है, जरूरत की जगह लगाओ, बुखल और इसराफ तबजीर से बचकर लगाओ। तो हम कमाने में भी आजाद नहीं और कमाए हुए को लगाने में भी आजाद नहीं। शरीयत के उसूल और जवाबित हमें एक रास्ता दिखाते हैं, राह एतेदाल पे डालना चाहते हैं। और आज की इस शब दुनिया भर में जितनी पैसे की बेकदरी हो, मुख्तलिफ शक्लों में नजरे आतिश किया जाएगा, क्या अरब क्या अजम एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में होंगे, पैसा जलेगा, नजरे आतिश किया जाएगा मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में। लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क इस जलती हुई दौलत को देखने जाएंगे, शराब पी के पागल होते लोगों का मुशाहदा करने जाएंगे, कपड़े उतरते दुपट्टे छीनने के मनाजिर देखने के लिए इस्फार करेंगे। तो ये मौका फजूल खर्ची के मामले में, पैसे के ज़िया के मामले में, उन लंडे के दानश्वरों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो ईद उल अज़हा के मौका पर, जो हज के मौका पर आले इस्लाम को कहते हैं कुर्बानी जितनी मकदार में की जाती है उतनी मकदार में कुर्बानी की जरूरत नहीं, कुर्बानी के गोश्त की जरूरत नहीं। एक घर में 20-20 जानवर जबा होते हैं, क्या अच्छा हो एक जानवर जबा कर लिया जाए और बाकी पैसा लोगों की जरूरियात पे खर्च कर दिया जाए, उससे गुरबा की गुर्बत मिटा दी जाए, फकरा का फकर खत्म कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो। उन दानश्वरों से मैं कहना चाहूंगा, कुर्बानी तो इबादत है, हज इबादत है, मिल्लत इब्राहिमी के सुतूनों में आता है। मुझे बताओ जो दौलत आज शब नजरे आतिश होगी वो कौन सी इबादत है, वो कौन सा अखलाक है, वो कौन सी शराफत है, वो किस मजहब की तालीम है, वो किस कायदे और जाबते के तहत है। तो यहां तुम्हें होश क्यों नहीं आता कि यहां तुम लोगों को कहो कि ये जो पैसा नजरे आतिश हो रहा है इसे बचाकर गुरबा की गुर्बत को दूर कर दिया जाए, इसे बचाकर फकरा के फकर को दूर कर दिया जाए, इससे ममालिक की तरक्की में इजाफा कर लिया जाए, ये मईशत की बेहतरी पे सर्फ कर दिया जाए, इससे मुआशरत को हुसन बख्श दिया जाए। इस मौका पर सब दानश्वर खामोश है, और जब कुर्बानी आती है हज के अय्याम आते हैं तो हमारे ये लंडे के दानश्वर अग्यार से मुतासिर असरी तालीम सदा तबका मैदान में आ जाता है हर साल, जी इतने जानवरों को जबा करने की क्या जरूरत है, हर साल हज पे जाने की क्या जरूरत है, भाई हज तो इबादत है, कुर्बानी इबादत है, तो हर साल ये पैसा जलाने की क्या जरूरत है, हर साल शराब पे रुपए का इतना ज़िया करने की क्या जरूरत है, ये तो सिरे से होना ही नहीं चाहिए। तो यहां उन दानश्वरों को चाहिए अपने आप को बेदार करें और बताएं कि यह पैसा गुर्बत दूर कर सकता है, इस पैसे से मईशत तरक्की कर सकती है, इस पैसे से बेवाओं के चूल्हे जल सकते हैं, यतीमों की किफालत हो सकती है, घर में बूढ़ी होने वाली खवातीन की शादियां हो सकती हैं। लेकिन इस मौका पर उन दानश्वरों का खामोश रहना, खुद शरीक हो जाना कुर्बानी और हज के अय्याम पे, उनका बेदार हो जाना, यह मजहब दुश्मनी के सिवा कोई हैसियत नहीं रखता, ये मुसलमानों को मजहब से दूर करने की साजिश है। तो मुसलमानों को चाहिए अपना मिजाज हसास रखे और इस किस्म की किसी बात से मुतासिर ना हो, इबादत तो इबादत है,
ये हमाकत बंद क्यों नहीं होती, ये पैसा जरूरियात पे सर्फ क्यों नहीं होता जो अयाशी में उड़ाया जा रहा है। और जब शराब पी लेते हैं फिर पता ही नहीं रहता कितना उड़ गया कितना रह गया। तो ये इसराफ और तबजीर हमारी शरीयत में हराम है, बाकी शराए भी इसकी इजाजत नहीं देती। तो कुफार गो मुखातब नहीं है, अहले इस्लाम है। तो हमारे मुसलमान भी किसी हद तक पीछे नहीं रहते, और खास तौर पे यूरोप की तकलीद और मुशाबहत इख्तियार करने वाले, अपने आप को जिद्दत पसंद और ब्राइट माइंडेड समझने वाले, वो तो पूरी पूरी तकलीद की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इससे बचे, ये हमारे लिए किसी सूरत मुफीद नहीं है, किसी सूरत मुफीद नहीं है। कुफार की मुशाबहत और तकलीद लाजिम आती है, बहुत सारे गुनाह जमा हो जाते हैं जिनमें बेपर्दगी है, बेहयाई है, शराबखोरी है, जिना है, इसराफ और तबजीर है, और न जाने क्या क्या है। और एक तीसरी कबाहत क्या है, वो है वक्त और उम्र जैसी नेमत खुदावंदी की नाकदरी, बड़ी नाकदरी होती है। याद रखिए वक्त की कदर ये अकलमंद लोग करते हैं, और अब वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, और ये भी कयामत की अलामतों में से एक अलामत है। मुसनद अहमद और तिरमजी में रिवायत आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक जमाना आपस में करीब ना हो जाए, यानी उसके शबो रोज तेजी से गर्दश करने लगे। फरमाया साल महीनों की तरह गुजरे, महीना हफ्तों की तरह, हफ्ता दिनों की तरह, और दिन घंटे की तरह, और घंटा उसका दौरानिया इतना ना हो जाए कि जितना आग का शोला भड़क कर बुझ जाता है उस वक्त तक कयामत कायम नहीं हो सकती। तो वक्त का तेजी से गुजरना यह कयामत की अलामात में से है। आज कितनी तेजी से वक्त गुजर रहा है हमें एहसास नहीं है, और हम उसका भी ज़िया कर रहे हैं, हम उसकी भी कदर नहीं कर रहे, उसकी भी अहमियत नहीं पहचान रहे। जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त जाया करता है, वक्त फिर उसे किसी काम का नहीं छोड़ता, उसे ऐसे जाया करता है वो हाथ मलता रह जाता है। वक्त को कीमती बनाई। अब जब साल गुजर गया, वो ईसवी साल हो या हिजरी साल हो, हमें करना क्या चाहिए, अपने माजी का एहतिसाब करना चाहिए, साल भर का एहतिसाब हिसाब, कितनी नमाजें पढ़नी थी कितनी पढ़ी कितनी रह गई, कितनी जकात देनी थी कितनी अदा की कितनी बाकी है, औलाद की तरबियत के मामला में मेरे जिम्मे कौन कौन से काम थे, मैंने कितने किए कितने रह गए, दावत व तबलीग के हवाले से मेरी क्या जिम्मेदारी थी, किस हद तक अदा की किस हद तक रह गई, और हमसायों के हुकूक के मामला में मेरे फराइज क्या थे, मैंने किस हद तक अदा किए किस हद तक रह गई। असल तो ये एहतिसाब है। अगर आप अपना काम साल भर का पूरा कर चुके शुक्र करें, वगर ना इस्तिग़फ़ार करें, ये तो इस्तिग़फ़ार का मौका है, ना ये कि हम इस पे जश्न मनाते फिरें, और फिर आने वाले वक्त की प्लानिंग करें जो हमारा असल काम है, और आखिरत पे नजर रखें, देखें कि आखिरत में नबी की शफ़ात किन कामों से हासिल होती है, जन्नत का दरवाजा किन कामों से खुलता है, अल्लाह की रजा किन कामों से नसीब होती है, वो कौन कौन से हैं, मैंने करने हैं, उनका टाइम टेबल बनाए, उनकी तरतीब लगाए, किस वक्त क्या करना, ये है हमारा काम। उम्र गुजरती जा रही है, वक्त तेजी से बह रहा है, तेजी से, वल असर, अल्लाह ने वक्त और जमाने की कसम खाई है, और ये बर्फ की तरह है, जैसे बर्फ पिघल रही है, अकलमंद पिघलते पिघलते उससे फायदा उठाता है, तो अकलमंद इंसान गुजरते वक्त से फायदा उठाता है, यह नहीं कि वक्त गुजर जाए कुछ भी फायदा हासिल ना हो, बर्फ पिघल जाए और गिलास पानी ठंडा ना हो। वक्त को कीमती, यह तेजी से बह रहा है, तेजी से,
इसे कीमती बनाया जाए। हर शख्स मौत के करीब हो रहा है, और याद रखिए वक्त वही था जो गुजर गया, आने वाले की क्या गारंटी है। हमारे पास हाल ही है, माजी गुजर चुका है, इस्तकबाल की गारंटी नहीं। और हाल क्या है, ये माजी और इस्तकबाल के दरमियान एक जुजला या तजज्जा है, एक सांस है, एक लम्हा है। उस लम्हे में हम जो कर सकते हैं करें, अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। फिर अल्लाह लम्हे के बाद लम्हा अता कर दे तो ये उसका फजल है। पहला लम्हा माजी बन जाएगा और इस्तकबाल का लम्हा हाल बन जाएगा। ये हाल क्या है, माजी और इस्तकबाल के दरमियान एक पतली सी लकीर है, थोड़ी सी मुद्दत है, सांस भर का जमाना है। हम अपने हर सांस और हर हाल को कीमती बनाएं, और अगर उसमें गफलत हुई उस पर इस्तगफार करें, और आने वाले वक्त की प्लानिंग करें। अल्लाह ने मुद्दत दे दी तो उसके मुताबिक जिंदगी बसर करके हम कामयाब होंगे, वगरना नाकामी से हमें कौन बचा सकता है। तो ये साल जो गुजरा, ये हमारी जिंदगी का एक साल कम हुआ है, तो ये हमें एहतसाब की दावत देता है, मुहासबे की दावत देता है, ना ये कि हम अपने गुनाहों पे जश्न मनाएं, खुशी का इजहार करें। तो मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त ये है, कुफार की मुशाबहत इख्तियार ना करें, उनकी तकलीद से अपने आप को बचाएं। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन, हैप्पी न्यू ईयर, इसको अपने से दूर रखें। अल्लाह के नबी ने जो तालीमात, नौरानी तालीमात हमारे लिए छोड़ी हैं, हम उनको फॉलो करें, हम अपनी इस्लामी जिंदगी जिए, इस्लामी मौत मरे। अल्लाह ने इस्लाम जैसा मजहब हमें अता किया है जो मुकम्मल महफूज भी है, जामे भी है, कामिल भी है, और हर हर बात का उसमें अमली नमूना भी है। इसके होते हुए जब हम अग्यार और कुफार के तर्ज को अपनाएंगे तो मैं यब तगी गैर इस्लाम दीनन फलन युकबल मिनहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, हमें नुकसान और खसारे से कोई नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की जिंदगी, इस्लाम और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।